दोस्तों, अगर आप भी मारुति के इंजियस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो आपका एक्साइटेड होना बनता है, क्योंकि गाइस जल्द ही मारुति सुजुकी अपने इंडियन मार्केट पर अपने सबसे प्रीमियम सबसे एक्सपेंसिव एमपीवी को लॉन्च करने वाली है, जो भाई पूरी तरीके से इनोवा हाई क्रॉस होने वाली है। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने ऑफिशियल तरीके से इसका को टीज कर दिया है, साथ में दोस्तों मारुति सुजुकी ने इस कार की अनवील डेट बता दी है और लॉन्च डेट भी क्लियर बता दी गई है, और साथ में ऑफिशियल तरीके से कार को लेकर भी काफी सारे कमाल की डिटेल्स निकल कर आ चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी डिटेल्स निकल कर आ चुके हैं। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हम भी आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दे देते हैं, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी कमाल की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मारुति सुजुकी और टोयोटा का काफी लंबे समय से पार्टनरशिप चलता आ रहा, और जो आप सब लोगों ने बलिनो और ग्लांजा पर देखा था, साथ में अर्बन क्रूजर और साथ में भाई ब्रेजा पर देखा था, और भाई हाल ही पर ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाई राइडर पर देख लिया, और गाइस सेम चीजें अब आप सब लोगों को इनोवा हाई क्रॉस और मारुति के एंगेज पर भी देखने को मिलने वाली है। बस इस बार थोड़ा सा भाई बाजी पलट गया और भाई मारुति सुजुकी पीछे हो गई, मतलब गाइस पहले इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च हुई है और अब भाई मारुति सुजुकी की एंगेज लॉन्च होने वाली है। भाई ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि गाइस जो इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च की गई है ना, मतलब टोयोटा की तरफ से, उस पर इस्तेमाल की गई जो पावर ट्रेन हाइब्रिड वाली है, वो पावर ट्रेन भाई टोयोटा ने खुद से डेवलप की है, जिस कार से भाई टोयोटा वाले ने इसको पहले लॉन्च किया, और गाइस अब लॉन्च होने वाली है मारुति सुजुकी की एंगेज। दोस्तों, इस कार की लॉन्चिंग की बात बताएं तो गाइस इस कार को 5 जुलाई को अनवील किया जाने वाला है, मतलब कुछ दिनों के अंदर भाई 20 दिनों के अंदर इस कार को लॉन्च मतलब अनवील कर दिया जाएगा, जो कार आपके सामने होगी, और उसके बाद अगस्त के महीने पर इस कार को लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब गाइस जुलाई से ही इस कार की बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भाई मारुति सुजुकी के एंगेज के साथ में जाना चाहेंगे या फिर टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस के साथ में, नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी इसका की प्राइस की बात करें भाई, ऑलमोस्ट जो प्राइस होने वाली है वो इनोवा हाई क्रॉस के आसपास रहने वाली है, मतलब 19 लाख से लेकर लगभग 28 से 29 लाख के आसपास की प्राइस इसका की रहने वाली है, जो इंडिया पर मारुति सुजुकी की सबसे एक्सपेंसिव सबसे प्रीमियम सबसे लग्जरी एमपीवी होने वाली है, जो 7 और 8 सीटर ऑप्शन के साथ में मिलेगी। मतलब अब तक मारुति सुजुकी की एर्टिगा और XL6 सबसे एक्सपेंसिव कारों में से एक थी, लेकिन अब भाई इनोवा हाई क्रॉस सबसे एक्सपेंसिव कारों में से एक होने वाली है। अगर डायमेंशन के मामले में बात करें भाई, ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन दी गई है इनोवा हाई क्रॉस की, तो यहां पर कोई भी तरह का चेंज नहीं किया गया है, ना इसका के लेंथ, ब्रेथ, हाइट, बॉडी स्पेस, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, टायर्स ऑप्शन, सभी चीजें बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। तो गाइस यहां पर आप सब लोगों को कोई खास ले डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, भाई डिफरेंस है, काफी जगहों पर डिफरेंस है, उसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले इसका के पावर ट्रेन की बात बता दें, तो मतलब इसका के इंजन की, तो गाइस यहां पर भी आप सब लोगों को सेम वही दो इंजन मिलते हैं, 2.0 लीटर की नेचुरल पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 174 पीएस की पावर और तकरीबन 205 एनएम का टॉर्क मिलता है, जो सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आती है। साथ में आपको मिलती है एक 2 लीटर की स्ट्रॉन्ग पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, जिसमें आपको मिलती है 186 पीएस की पावर और तकरीबन 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो अपने साथ ई सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को लेकर, मतलब दोनों ही इंजन आपको भाई मैनुअल ऑप्शन के साथ में नहीं मिलने वाले हो। भाई अगर माइलेज की बात करें तो आपको भाई इसके नेचुरल पर लगभग 15 किलोमीटर प्रति लीटर की, साथ में आपको इसके हाइब्रिड पर तकरीबन भाई 24 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देखने को मिल जाएगी, मतलब गाइस एक आउटस्टैंडिंग वाली परफॉर्मेंस और आउटस्टैंडिंग वाली माइलेज आपको देखने को मिलेगी, जो भाई इनोवा हाई क्रॉस पर भी आपको सेम चीजें देखने को मिलती है। और बात करें इसका के लुक्स की, भाई लुक्स के मामले में इसका के फ्रंट पर और इसका के रियर पर इनोवा हाई क्रॉस के मामले में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होगा, कॉस्मेटिक चेंज होंगे, बाकी कोई खास ली चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपने ग्रैंड विटारा और साथ में अर्बन क्रूजर हाई राइडर पर देखा था डिफरेंस, केवल इसका के फ्रंट और रियर पर सेम वाइट डिफरेंस आपको सब लोगों को यहां पर भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल नई ग्रिल होगी, हेडलाइट का सेटअप आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, टेल लाइट का सेटअप बिल्कुल सेम मिलेगा, ऑलमोस्ट कार जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली है, फ्रंट से बैक से भी बिल्कुल सेम होगी, भाई केवल कॉस्मेटिक चेंज होंगे इसका के फ्रंट और रियर पर, बाकी साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, कंफर्ट कन्वीनियंस फीचर सब कुछ बिल्कुल सेम रहने वाला है। इनफैक्ट जो डैशबोर्ड है उसके कलर को चेंज करने के बाद पूरी की पूरी डैशबोर्ड ही बिल्कुल सेम है। लेकिन गाइस फीचर के मामले में अगर बात करें तो भाई मारुति सुजुकी इस बार पहली बार कुछ ऐसा करने वाले है जिसके बाद गाइस मारुति सुजुकी को कुछ कमाल की चीजें मिली है। अगर फीचर के मामले में बात करें तो आप सब लोगों को 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जिसमें आपको सब लोगों को सुजुकी की स्मार्ट प्रे प्लो प्लस में मिलती है, साथ में कुछ कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी के फीचर मिलते हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलते हैं, और भी काफी सारे कमाल के फीचर मिलते हैं। बाकी डैशबोर्ड आप सब लोगों ने देख ही लिया, इसके साथ में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल क्लस्टर मिलती है, फुल्ली डिजिटल, साथ में
काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, फ्रंट सीट्स वो वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में मिलती है, साथ में फ्रंट और रेयर दोनों ही सीट्स आप सब लोगों को पावर एडजस्टेबल मिलती है, और गैस सेफ्टी के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस देने को मिलती है। भाई इस बार फ्रंट फर्स्ट बार होने वाली है जिसमें आपको मारुति सुजुकी के कार्स पर इतनी ज़्यादा एडवांस और कमाल की सेफ्टी मिलने वाली, जिसमें आपको भाई 360 डिग्री कैमरा मिलती है, 6 एयरबैग मिलती है वो भी स्टैंडर्ड मॉडल से, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, साथ में हील असिस्ट जो कि भाई डिसेंट और हील असिस्ट दोनों में आप काम करती है, साथ में एडास का फंक्शन मिल जाता है वो भी 30 प्लस एक्टिव फंक्शन के साथ में। दोस्तों इसके साथ में जितने भी एक्टिव सेफ्टी फीचर होते हैं भाई 60 से ज्यादा एक्टिव सेफ्टी फीचर है, साथ में जितने भी नॉर्मल कन्वीनियंस फीचर होते हैं वो सभी फीचर इस दोनों ही कार्स पर अवेलेबल होने वाले। तो आपके हिसाब से दोस्तों आप टोयोटा के इनोवा हाई क्रॉस के साथ में जाना चाहेंगे या फिर भाई मारुति के एंगेज के साथ में, जो जल्द ही कुछ दिनों के अंदर बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, इसका को अनवील भी कर दिया जाएगा और भाई पूरी की पूरी डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए अपनी राय, अपने सजेशन और आपका क्या कहना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लेना, ऐसे ही कमाल की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान, जय हिंद, वंदे मातरम।